इंग्लिश वगैरह समझ आ रही है जो टीचर हाँ, बोलते हैं? बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रही है, इंग्लिश अच्छे से समझ में आ रही है। जैसे हमारी मंडे को एनाटॉमी होती है, उसके जस्ट बाद हमारे ग्रुप की प्रैक्टिस। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम जो है वो सर्बिया क्रागो एक्स में, हमारे पीछे जो है वो फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस की जो है वो न्यू बिल्डिंग है और साथ में नुसाव मैम भी हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जब हम एयरपोर्ट पर आए थे तो वहाँ पर सर ने बच्चों का इंटरव्यू लिया था। आई एम हियर इन द बेलकोट एयरपोर्ट, सो दीज आर द माई स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम इंडिया एंड दे आर स्टडिंग हियर मेडिसिन एंड सम ऑफ देम दे केम फ्रॉम अफ्रीका आल्सो, दे स्टडी हियर इकोनॉमिक्स एंड लेट्स हैव इंटरव्यू टुगेदर। ही इज माई फ्रेंड विवेक। सो विवेक कैसा लग रहा है तुम्हें? बढ़िया भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लाइट टाइम पे थी, सारा कुछ तुम्हें सही से मिला? सही से मिला और सारी प्रोसेस बहुत अच्छे से। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए? यूनिवर्सिटी ऑफ क्रासवा। सो हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर अमन। अमन नाम है, कहाँ से हो आप? सर यूपी नियर लखनऊ बरेली साइड। आप बरेली से हो? कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? सर यूनिवर्सिटी ऑफ खरगोन। आपका नाम क्या है? श्रेयांशु किशोर। कहाँ से हो आप? मुजफ्फरपुर बिहार। ओके ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो पढ़ने के? यूनिवर्सिटी ऑफ खरगोन। समीर कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो? यूनिवर्सिटी ऑफ नीस। यूनिवर्सिटी ऑफ नीस और दिल्ली से हो आप, राइट? यस सर। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज निशांत पाल। निशांत पाल, कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून। और कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो? आपका नाम क्या है? शताक्षी। शताक्षी नाम है आपका। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो? यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोवा। आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि, ये अंजलि है, दिल्ली से हैं और अभी पढ़ने के लिए जा रही है फर्स्ट ईयर मेडिसिन क्रागोवा में, जो कि मेडिसिन को हम एमबीबीएस करते हैं इंडिया में। आपका नाम क्या है? सिमरन। सिमरन नाम है, फ्रॉम वेयर? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़, और पढ़ने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो? यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागोवा। ओके, थैंक यू। अफरीन। अफरीन इज गोइंग टू निस यूनिवर्सिटी। हम है सानिया अफरीन और हम है कोलकाता से। आप कोलकाता से हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हो? यूनिवर्सिटी ऑफ नीस। हियर वी आर प्रोवाइडिंग लाइक व्हेन यू कम फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सिम कार्ड एंड द फूड व्हाट वी आर गोइंग टू अरेंज हियर एंड दिस इज अ यू सी द बस एंड द पीपल हु केम टू अस विद अस दे आर सर्बियन एंड दे आर हेल्पिंग हियर बाय पुटिंग देयर लगेज एंड वी आर हियर टू लाइक गाइड यू एंड टू टेक केयर ऑफ यू like we are not that's just to give you the information in India or by the call, we are here to help you in every situation like either for the food, for the SIM card, for the luggage. You see bus is there to pick up them from Kragewas to here and we are helping. So guys, if you have any query for taking admission here, so you can contact us and we can help you in every situation. Thank you very much. जैसे बच्चे सर्बिया में पहुंच जाएंगे तो उनका रिव्यू जो रहेगा उसका वीडियो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज जो है वो सारे बच्चे देख सकते हैं, सबने एप्रन वगैरह भी पहना हुआ है। तो चलते हैं, ये हमारे अमन भाई। जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, हमने जो एयरपोर्ट का वीडियो बनाया था उस टाइम भी बात की थी एंड अभी देखते हैं, अभी तो क्लासेस वगैरह भी हो चुकी हैं। तो हेलो, कैसे हो भाई? आई एम गुड। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। और थोड़ा बताओ यहाँ के बारे में, आपको क्या बढ़िया लगा क्रागो एक्स के बारे में? हाँ, एक्चुअली जब हम लोग आए यहाँ पर फर्स्टली, तो हम लोगों ने पहले सारा मतलब भैया और दीदी ने सेटल होने में हम लोगों को हेल्प किया, अपार्टमेंट से लेकर वाइट कार्ड जो यहाँ की रेसिडेंसी होती है उससे लेकर, एंड उसके अलावा हम लोगों को फिर हम लोग एक्सप्लोर किए यहाँ पर। सिटी सेंटर यहाँ का अच्छा था और वाईफाई वगैरह भी अवेलेबल है हर कहीं। और फिर हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट हुई हम लोगों की 14 से, जिसमें हम लोगों का फर्स्ट एनाटॉमी का था और एनाटॉमी में हम लोगों को टीचर ने अच्छे से लैटिन वर्ड से लेकर इंग्लिश में पूरा सारा एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद हम लोगों के ऐसे ही कंटिन्यू क्लास चल रही है। इंग्लिश वगैरह समझ आ रही है जो टीचर हाँ, बोलते हैं? बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रही है, इंग्लिश अच्छे से समझ में आ रही है। और ये बताओ यहाँ के अपार्टमेंट में खाना खुद से बना रहे हो या फिर कैसे चल रहा है? हाँ, क्योंकि खाना हम लोगों को खुद से बनाना पड़ता है यहाँ पर और बाकी इंडक्शन वगैरह ये सब प्रोवाइड हो जाता है। तो केवल हम लोगों को पहले दीदी ने मतलब सारा रेडी रखा था, फर्निश अपार्टमेंट था हम लोगों का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तभी हो गया था। हाँ हाँ, वो हो गया था हम लोगों का और हम लोग केवल खाना बना मतलब शिफ्ट हो गए और उसके बाद अपना एज यूजुअल। और जैसे कि बताया अपार्टमेंट के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम सारे स्टूडेंट्स का देखेंगे अपार्टमेंट किस तरीके का है कैसा है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं न्यू स्टूडेंट की तरफ। हेलो ब्रो। हेलो, कैसा लग रहा है पहले तो यहाँ पे ये बताओ आप? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे इतना कोई चेंज नहीं लगा क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ। यहाँ पे बिल्कुल नेचर भी बहुत अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है, सेम सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सेम लग रहा है। मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ और वैसे मुझे नौशाबा दीदी ने बहुत हेल्प करी है फॉर ऑल दी जो भी
यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन था, प्रोसेस था, शुरू से अभी तक अभी भी हेल्प करते हैं वो, बहुत ज़्यादा बहुत सपोर्टिव हैं। और जो भी थोड़ी सी भी हमें दिक्कत होती है हम दीदी को कॉल करते हैं, दीदी एकदम आ जाती है, तो फिर बिल्कुल मतलब ऐसे ही फैमिली टाइप है, बिल्कुल अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आप हम पहली बार मिले थे एयरपोर्ट पे, चाहे वो अमन हो चाहे निशांत। हाँ, पहली बार तो ये लोग सारे एयरपोर्ट पे मिले थे। हाँ, हमारा पहली जब देखे थे, जब ही देखा दीदी को, हमने पहले विजिट नहीं करा दीदी के पास और कभी मिले नहीं, उससे भी आप पहली बार मिल रहे हो। हाँ जी, ये लोग अभी आप कौन कौन रहता है मतलब आप लोग? हम तीन मेंबर्स रहते हैं अभी, अमन रहता है मेरे साथ, श्रियांश रहता है और मैं रहता हूँ। और अपार्टमेंट में मतलब मिलजुल के सारा काम करते हैं, अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, हाँ जी कमी है। और पूरा जो है अपार्टमेंट वो सेंटर में पड़ता है, चाहे हम लोगों को न्यू फैकल्टी आना, सेंटर पे और यूनिवर्सिटी, चाहे हम लोगों को लिंकन सेंटर जाना या फिर हम लोगों को पुरानी वाली फैकल्टी जाना। दीदी ने बहुत मटेरियल प्रोवाइड करा हमें जैसे पढ़ने के लिए, और प्लेटफॉर्म्स भी बताया कौन अच्छा है यहाँ पे, कौन मतलब जिसमें तुम्हें हेल्प ज़्यादा हेल्प होगी। और भैया तो हम लोगों की अभी भी हेल्प करते हैं कि क्या पढ़ना है, तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हम लोगों से करते रहते हैं। बल्कि अभी हम लोग आ रहे थे तभी भैया क्वेश्चन कर रहे थे हम लोगों से कि क्या क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ रहे, और पढ़ते रहना है, ध्यान से पढ़ना। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ क्रैगोवा का दिस ईयर का सबसे फर्स्ट बैच है इनका बैच, जो बच्चे इंटरनेशनल सबसे फर्स्ट आए थे क्रैगोवा में, वो है अमन, श्रांशु, इन लोग निशांत द्वार के बैच है जो भी बच्चे अभी दिख रहे हैं। तो हम लोग आए थे शायद 2nd of October को यहाँ पे, तो क्लासेस शुरू होने से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन पहले हम लोग आ गए थे बिकॉज ऑफ कंफर्टेबल एंड सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो डे वन से ये लोग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। एंड तुम लोग कौन से ग्रुप में हो? फर्स्ट ग्रुप करते हैं श्रीयांश भाई से बात। तो हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था इनकी मम्मी बोल रही थी यहाँ पे ख्याल रखना, तो कैसा चल रहा है आपका? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब सही है। मतलब भैया और दीदी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और एकेडमिकली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ बताते रहते हैं कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, और पढ़ते रहो, टीचर के साथ इंटरेक्शन बना के रखो। मतलब प्रॉपर गाइडलाइन मिल रहा है, ऐसा रहता है ना, बच्चे जो आते हैं उनको तो रहता है कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई का रहता नहीं है उनको, और फिर पता चलता है इतना सारा ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनको क्या है अभी से स्टार्टिंग से, मतलब इंडिया से इनको सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, वो चाहे ऑनलाइन बैच लेना हो, बुक्स के बारे में हो, या फिर जो भी यहाँ की गाइड लेने के यहाँ पे ये रहता है, तो वो पहले से इनको पता चल गया है। थोड़ा बताओ अपने इसके फर्स्ट क्लास के बारे में कैसा रहा है? फर्स्ट क्लास हम लोग का एनाटॉमी का था, जो इवाना मैम ने हमारा लिया था, तो उसमें मतलब वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे इंग्लिश में, और सारी चीज़ें मतलब एकदम समझ आ रहा है अच्छे से इंग्लिश में। सब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ का मौसम वगैरह कैसे लगा? मौसम वगैरह तो बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में जैसे नवंबर में रहता है वैसे ही धूप भी चल रही है। तो अभी हमारे साथ जो है वो हिमांशु सर भी हैं। और सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बताओ यहाँ के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा यहाँ का? फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत बढ़िया रहा, इवन क्लासेस बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्टिंग है। एक वीक हो गया ना? हाँ, हमारा तो 2 वीक हो गया वैसे, बट हमने क्लासेस 1 वीक अटेंड की क्योंकि हम थोड़े पहले आ गए थे, और सब लोग बहुत सपोर्टिव है। स्टडी का तो 1 वीक हो गया ना, 1 वीक पहले आ गए थे। हाँ, स्टडी का 1 वीक हो गया, हमने सारी क्लासेस ऑलमोस्ट। थोड़ा इसके बारे में बताओ कैसे कैसे है, मतलब यहाँ पे अलग हर दिन का अलग रहता है ना, संडे मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे, हर दिन अलग क्लास। हाँ, हर दिन बताओ कैसे कैसे है। जैसे हमारी मंडे को एनाटॉमी होती है, उसके जस्ट बाद हमारे ग्रुप की प्रैक्टिस हो गई, एनाटॉमी की प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद फिर वो दूसरे दिन हमारा मेडिकल केमिस्ट्री हो जाती है, फिर साथ साथ हमारी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद फिर हमारी मेडिकल इंग्लिश हो जाती है, उसके बाद वेडनेसडे के दिन, उसके बाद फिर हमारी हो जाती है मतलब जिस दिन जो क्लास होती है उसकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जा रही है। और अभी हमारा बायोलॉजी का क्लास नहीं हुआ, तो इसके वजह से थोड़ा अभी 1-2 सब्जेक्ट्स बची हैं जो आफ्टर 5 वीक्स होगा वो। हाँ, उस टाइम के हिसाब से होता है, वीक के हिसाब से जो तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद फिर 5 वीक के बाद फिर बायो, उसके बाद ऐसे फिर होगी। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल तुम्हारे एनाटॉमी हो गया, बायोफिजिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन और इंग्लिश हो गई। लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे। सो विवेक, एक चीज मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल तुमने मुझसे ऑनलाइन लाइक मेरा वीडियो देख के तुम मुझसे बात किए थे, तो डायरेक्ट हम और तुम यहाँ ही सर्बिया में मिले हैं, तो जो भी चीजें हमारे और आपके बीच में बातें हुई थी वो सारा चीजें ट्रस्टफुली था कि नहीं था? वो सारी चीजें ट्रस्टफुली थी, बट इशू तो सबको आती है कि एक ट्रस्ट इशू होती है, बट फिर भी
जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आना है और आपसे मैं बहुत पहले से भी कंसल्ट में था, तो फिर मैंने बिलीव किया और सारी चीज़ें बहुत पीसफुली हुई। जो चीज़ें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, हाँ, सारी चीज़ें को प्रोवाइड किया, सारी चीज़ें ऑन द टाइम हुई और जैसे आपने प्रॉमिस किया था वैसी हुई, मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। और वैसे मैं यहाँ के स्टूडेंट्स में सबसे पहले आने वालों में से एक, सबसे पहले वीज़ा तुम्हारा आया, सबसे पहले सारा डॉक्यूमेंटेशन तुम्हारा, सबसे पहले फ्लाइट तुम्हारी हुई, आने से पहले तुम्हारा एकोमोडेशन यहाँ पे था कि नहीं था? एकोमोडेशन वगैरह सारा जैसा आपने बताया था वैसा ही था और सब चीज़ बहुत अच्छे से हुई। तो बताओ थोड़ा यहाँ के बारे में, क्रैगो एक्स कैसे लगा, सिटी कैसी लगी, यूनिवर्सिटी कैसी है? सब अच्छा है यहाँ पे भाई, सब बढ़िया। फीस कितनी है? 2500 यूरो पर सेमेस्टर फीस है। महीने का खर्चा कितना आता है? महीने का वैरी करता है, तुम जिस हिसाब से खर्चा करते हो 3000 इतना ही आना चाहिए, 10K या 15K या सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। तो जैसे कि आपने देखा सारे स्टूडेंट का रिव्यू, एंड अभी जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे आपको वीडियो देखने के लिए मिलती रहेंगी। एंड सर कुछ कहना चाहेंगे आप? सो बेसिकली अभी सारे बच्चों का इंटरव्यू आपने सुना होगा और सभी खुश हैं आई थिंक, हाँ, सबका सारा काम ऑन टाइम हुआ है और इस साल का तो एडमिशन यहाँ पर क्लोज ही है ऑलरेडी। और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेना होगा, किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप टेक्स्ट कर सकते हो हमें मैसेज। बेसिकली सब कुछ अच्छा है अकॉर्डिंग, मतलब सबने अपना अपना रिव्यू दिया है, किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी दे कैन कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक देते हो। बाकी सराउंडिंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कैंपस है हमारा, हम लोग यहाँ से ऑलरेडी, मैंने यहाँ से MBBS पास आउट हूँ मैं यहाँ से। और ये कुछ इस तरीके का यहाँ का व्यू है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।